Hi guys, this is me, your favorite AKR and you're watching Akshay Kumar Rai YouTube channel. तो कैसे आप लोग? I hope आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, टकाटक होंगे. हम भी यहाँ मस्त हैं, बढ़िया हैं, टकाटक हैं. उसी के साथ आज कर रहे हैं दिन की नई शुरुआत और हम बना रहे हैं एक नई तरीके की वीडियो. तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी. तो क्या आप लोग भी रेडी हो एक नई तरीके की वीडियो देखने के लिए? क्या आप लोग भी पक्ष को एक ही तरीके के ब्लॉग देख देख के, क्या आप लोगों को पता है कि यूट्यूबर्स में क्या सोचते हैं? नहीं तो कोई बात नहीं भाई, मैं हूँ ना आपका भाई, मैं आपको बताऊंगा. मैं रिव्यू करने वाला हूँ अपने कुछ फेवरेट यूट्यूबर्स को अपने अकॉर्डिंग. मैं मुझे नहीं पता आप लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन जो मैंने उनसे सीखा है, जो मैं उनके बारे में जानता हूँ या जो मेरा उनके ऊपर रिव्यू, मैं वो आपको बताने वाला हूँ. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस दो मिनट बैठो और ये देखो. तो चलिए शुरू करते हैं. तो गाइस, खुल चुका है हमारा यूट्यूब पेज. ये देखो मेरे आईडी से ही खुला हुआ है. तो सबसे टॉप पे जो वीडियो आ रही है वो आ रही है सौरभ जोशी की, जो कि करते हैं डेली व्लॉगिंग जस्ट लाइक मी. चल चूटा, या मैं उनके ऐसा करता हूँ बिकॉज पहले उन्होंने स्टार्ट करा तो भाई सीनियर है तो उनको ही बोलूंगा मैं. तो चलो आओ पहले सबसे पहले रिव्यू इनके ऊपर ही करते हैं. भाई सौरभ भाई के लिए और तो कुछ बात नहीं है, सबसे मेन बात ये है कि भाई बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं, उनके ब्लॉगिंग का स्टाइल बहुत अच्छा, प्लस फैमिली ब्लॉग्स करते हैं, गाली गलौज नहीं होती है और उनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, छोटा भाई है, मम्मी है, पापा है, सब होते हैं. तो पूरी फैमिली उनके पास, बहुत वाइड रेंज ऑफ व्यूअर्स हैं, ऑडियंस है उनके पास बहुत बड़ी. बात तो सही है क्योंकि हर एज ग्रुप के लोग उनको देखते हैं, उनको पसंद करते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे तो उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, मम्मी पापा लोग भी उनको बहुत पसंद करते हैं. तो इस चीज से इंस्पायर हो गया यार, मैंने भी अपने आप को मतलब फैमिली ब्लॉगिंग की तरफ ही रखा है, क्योंकि मेरे को पर्सनली भी थोड़ा सा ऐसा ज्यादा पसंद है कि जो भी आसपास के लोग ना उनकी तरफ एक थोड़ा पॉजिटिव मैसेज जाए, कोई भी नेगेटिव ना सोचे. यू तो कनेक्ट कर, गाली वाली देखे ना, यू तो कनेक्ट करना बहुत ईजी होता है, बट आपके मम्मी पापा देखते हैं या कोई आपके रिलेटिव देखता है, फिर वो आपको कुछ बैड रिव्यू देता है, तो वो चीज थोड़ी सी अनोइंग हो जाती है कई बारी. और कई बारी इन सब चीजों की वजह से फिर फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते. बट अब जो मैं वीडियोस बनाता हूँ जो एकदम फैमिली व्लॉग्स होते हैं, तो उसमें मेरे दोस्त भी होते हैं, मेरी फैमिली भी होती है, मेरे जिम वाले लोग भी होते हैं, मेरे शूट वाले लोग भी होते हैं, तो सब बहुत खुशी खुशी उस व्लॉग के अंदर पार्ट बनना चाहते हैं, बिकॉज उसके अंदर कोई भी तरीके की नेगेटिव चीज नहीं होती है, हर चीज एक स्माइल से शुरू होती है, एक स्माइल पे खत्म होती है. तो ये चीज मतलब मैंने पर्टिकुलरली उनसे बहुत ज्यादा सीखी है. सेम पेज के ऊपर ही ना जो दूसरी वीडियो आ रही है वो आ रही है थकेश भाई की, जो कि बहुत ही खतरनाक रोस्टर है, बट बहुत ही हेल्दी रोस्ट करते हैं, उसमें कोई गाली गलौच नहीं, कोई उल्टी सीधी बातें नहीं, जस्ट फैक्ट एंड ह्यूमर, तो बस उसी के ऊपर करते हैं. तो आओ इनका रिव्यू भी शुरू करते हैं. भाई थकेश भाई का भी सबसे रिसेंटली कंट्रोवर्सी चल रही है अदनान शेख के साथ 07 वाले, तो कुछ वीडियो पे कुछ कमेंट वगैरह हो गए, तो उस चीज की वजह से इनकी बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है और काफी सब लोगों ने बहती गंगा में हाथ धोले, जिनको नहीं भी लेना देना था उन्होंने भी पेल दिया. चलो ठीक है, बट अपन ने इस बारे में कोई बात नहीं करी क्योंकि मैं ना तो रोस्टिंग करता हूँ ना मैं इन सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हूँ, मैं तो बस अपनी फैमिली व्लॉगिंग करता हूँ, तो मैं तो इन सब चीजों से थोड़ा ऑफ ही रहता हूँ. बट यस, थकेश भाई से सेम कि भाई इतना पॉजिटिव और इतना फन लविंग और इतना ह्यूमर के साथ करते ना, और मेरे को हमेशा ऐसा लगता है भाई फनी होने के लिए गाली बकना या फिर उल्टी सी चीजें करना या कूल बनने के लिए ऐसे गाली देना या दोस्तों को मजाक उड़ाना, तो इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है. तो मेरे को तो मतलब मेरे को ये सब चीजें नहीं इतनी कुछ खास नजर आती, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेरे को जो ऑनेस्ट फीलिंग है ना वो यही है कि यार अगर आप चल रहे हो और आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं तो लोग जुड़े रहने चाहिए, तो आप हमेशा एक स्माइल के साथ ही सबको काम करो तो सारे काम अच्छे होंगे. बट थकेश भाई की रोस्टिंग बहुत नेक्स्ट लेवल है, तो मैं तो रोस्ट करता नहीं, मैं तो बट मैं रियल लाइफ में बहुत अच्छी रोस्टिंग करता हूँ, मतलब मैं ऑन कैमरा इतनी अच्छी रोस्टिंग नहीं करता बट मैं रियल लाइफ में बहुत अच्छी रोस्टिंग करता हूँ. भाई सेम पेज पे आ रखे हैं ध्रुव राठी भाई, इनको भी मैं बहुत देखता हूँ और बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, तो इनका रिव्यू करते हैं. भाई बहुत मतलब ध्रुव भाई ऐसे ऐसे मतलब थोड़े थोड़े एक्शन बना के वीडियो करते हैं जो कि फनी मतलब मेरे को थोड़ा सा फनी लगता है, बट उनका स्टाइल है अपना तो बहुत सारे लोग उनको मिमिक भी करते हैं, बट सच में होता है थोड़ा ऐसे 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 करके वीडियो करते तो अच्छा लगता है देखने में. बाकी हाँ भाई भाई भी एकदम मस्त वीडियोस बनाते हैं, तो इनको देखना बहुत सही लगता है, प्लस बहुत नॉलेज वाली वीडियोस बनाते हैं, तो मस्त एकदम मस्त बढ़िया, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो भाई बहुत अच्छी क्रिएटर है. तो सेम पेज अब तक मैंने स्क्रॉल भी नहीं करा, इन सब लोगों को मैं सब्सक्राइब करता हूँ, ये लोग ऑलमोस्ट डेली कुछ ना कुछ कंटेंट डाल देते हैं. तो इसके अंदर एक और नाम है आरुष भोले, आरुष भोले बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर है और ये फिटनेस रिलेटेड ज्यादा वीडियोस बनाते हैं, तो अभी रिसेंटली मैं इनको काफी ज्यादा देख रहा हूँ क्योंकि इनके अंदर ना थोड़ा अपना वाला वाइब है. तो आरुष भोले हो गए, अमन फिट्स हो गए और इनके एक और भाई हैं लैला भाई, उनका नाम है शायद से वरुण यादव, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उनको सब प्यार से लैला लैला बोलते हैं, तो इस वजह से. बट भाई इन लोगों की जो आपस में बॉन्डिंग है ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल, और ये लोग बहुत पॉजिटिव तरीके से ब्लॉग करते हैं, थोड़ा सा मतलब यूथ को कनेक्ट करने वाले ब्लॉग ज्यादा करते हैं, बट इन लोगों की फिटनेस वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं. और अभी रिसेंटली ना एक अलग ट्रेंड होता है, मतलब एक होता है कि कंपटीशन लेवल वाली चीज होती है, एक चीज होती है कि आपको खुद की फिटनेस का होता है, बट एक होता है सेल्फ केयर सेल्फ लव, वो भाई मैंने इनको देख के अभी रिसेंटली हुआ है कि यार
आप दुनिया के लिए तो कुछ भी कर रहे हो लेकिन आप अपने लिए पर्टिकुलरली क्या चीज बना रहे हो। तो भाई ये चीज मैंने आरुष बोले को देख के वो करा कि भाई अगर कुछ लाइफ में करना है तो उसकी सबसे मेन प्रायोरिटी आप खुद। तो भाई सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान दो, अगर आप अपने ऊपर ध्यान दोगे तो पूरी दुनिया आपके ऊपर ध्यान देगी। भाई मैंने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करा और देखो किसकी वीडियो आई है, खान सर की। खान सर एक एजुकेशनल चैनल चलाते हैं और ट्रस्ट मी इनके सिखाने का तरीका बहुत अमेजिंग है। पूरे लॉकडाउन मैंने इन्हीं की वीडियोस देखी और क्या कमाल के बंदे हैं, क्या कमाल की बातें करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा रिलेट करता हूँ वो है इनका कॉन्फिडेंस, इनका प्राउड टू बी एन इंडियन। मतलब इनको ना हर चीज के अंदर सिर्फ देश दिखता है, सिर्फ देश। मतलब अगर ये अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, ही स्टडिंग जस्ट फॉर हिज कंट्री, फॉर आर कंट्री। और ये बच्चों को पढ़ाते भी हैं, फ्री में भी पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी करते हैं। तो खान सर के लिए तो एकदम थम्स अप, दिल से रिस्पेक्ट है सर के लिए, तो बहुत नेक्स्ट लेवल करते हैं। तो खान सर तो भाई वन ऑफ माई फेवरेट है, एकदम फेवरेट। मतलब मेरे ना तीन सबसे ज्यादा फेवरेट यूट्यूबर्स हैं, उसके अंदर जो फर्स्ट नंबर पे आते हैं वो आते हैं खान सर, सेकंड पे आते हैं फ्लाइंग बीस सर और थर्ड पे आते हैं सौरभ जोशी भाई, क्योंकि ये तीन बंदे मुझे बहुत ज्यादा सही लगते हैं, बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएट करते हैं, प्लस बहुत पॉजिटिव है इनके अंदर ना, बहुत पॉजिटिविटी है इनके अंदर, तो देख के बहुत मजा आता है। और मेरे एक और जो अल्टीमेट फेवरेट है वो है किंग भाई, दूसरे भाई हैं किंग। तो किंग भाई का वैसे यूट्यूब जो चैनल है वो वैसा रेगुलर कंटेंट नहीं बनाते, वो गाने से रिलेटेड, मतलब इज अ रैपर एंड अ सिंगर, तो वो उस चीज से रिलेटेड बनाते हैं। बट मैं इनका इतना सुपर डुपर वाला फैन हूँ भाई साहब, क्या ही बताऊँ आपको। मैं इनको हसल के टाइम से देखता आ रहा हूँ और इनफैक्ट हसल से थोड़ा पहले भी मैंने इनके गाने सुन लिए थे, बट मुझे इतना रिलेट नहीं रहा था। बट जब हसल में आए थे देन जब ये पॉपुलर हो गए थे, तब मैंने जब इनके ट्रैक सुने और जो इनके रिसेंट ट्रैक्स थे, ये जो आने वाले ट्रैक्स थे, वो भी मैंने सुना भाई एक से बढ़ के एक। और हसल के अंदर जिस बंदे ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई ना, दैट इज किंग। इनके गाने गाड़ियों में बजते हैं, गाने क्लब्स में बजते हैं, शादियों में बजते हैं भाई, हमारी जो पार्टीज होते हैं हमारे जिम में बजते हैं, तो भाई नेक्स्ट लेवल। तो किंग इज वन ऑफ माय फेवरेट, बट टॉप थ्री में तो नहीं है क्योंकि इनका रेगुलर कंटेंट नहीं होता। बट अगर रैपिंग हो या अंडरग्राउंड म्यूजिक में बात करो तो किंग दी मतलब दी बेस्ट है भाई मेरे लिए, तो अगर रैपिंग में बात करो तो दी बेस्ट। एक और यूट्यूब चैनल है, एक और यूट्यूबर है जिनको मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो है ये, मतलब इनके चैनल का नाम है गेट सेट फ्लाई साइंस और ये बहुत अमेजिंग है। इनका बताता हूँ, मतलब इनके चैनल का नाम तो है गेट सेट फ्लाई साइंस, बट इनके जो क्रिएटर का नाम है वो है गौरव और शायद से मुंबई में रहते हैं। बहुत नेक्स्ट लेवल कंटेंट है भाई, इतना रिसर्च करके कंटेंट बनाते हैं ना भाई, थम्स अप है भाई को। और इतना मतलब वही ना, मतलब नॉलेज को शेयर करना तो उसका भी एक तरीका होता है, तो ये इतना फन, इतने मस्ती, इतने 3D ग्राफिक्स, इतने विजुअल्स के साथ चीजें समझाते ना कि मतलब 5 मिनट में समझ आता है। जो इतने बड़े बड़े नासा टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं वो 5 मिनट में समझा देते हैं जस्ट बिकॉज अपने ग्राफिक्स, अपने नॉलेज और प्लस जिस वे में ये डिलीवर करते हैं, तो ये सब चीजें इनकी बहुत अमेजिंग। तो आप भी देखो भाई, बहुत नॉलेजेबल है। और जो छोटे बच्चे ना उनको तो अभी से दिखाना शुरू कर दो, जब तक वो लोग आगे जाएंगे ना अपने स्कूल में टीचर्स को खा जाएंगे भाई, इतने तगड़े क्वेश्चन पूछा करेंगे अगर ये चैनल अगर वो देखेंगे। यूट्यूब ऑनलाइन या जितने भी इंटरनेट है ना, उसके ऊपर हर तरीके का कॉन्टेंट होता है, ये चॉइस आपकी कि आपको क्या देखना है, आपको अच्छी चीज देखनी है या बुरी चीज देखनी है। इसके अंदर आप इंटरनेट को नहीं ब्लेम कर सकते, वो सबके लिए बना भाई, वो यूनिवर्सल है, अगर बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज करना है। अब है फाइनल गेम, वो है हमारे फेवरेट मिस्टर फ्लाइंग बीस्ट, मतलब वर्ड नहीं है बट सुन लो बस एक बार मेरी बात भाई। फ्लाइंग बीस्ट मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट है, बहुत इंस्पायरिंग है, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो बंदे ने ना करी हो। मतलब अपना मतलब बहुत अच्छा तो स्कूलिंग है ही, मतलब एजुकेशन में तो बहुत अच्छे ही है, बहुत मतलब बहुत अच्छे स्कोर करते थे, अकेडमिक्स में तो बहुत अच्छे हैं, IIT करी है, पायलट बने, मतलब लॉ कर रहे हैं, उसके बीच में मतलब फिटनेस में भी हैं, बॉडी बिल्डर भी हैं, फैमिली को भी वो करते हैं, मतलब अपने मम्मी पापा प्लस अपनी वाइफ प्लस अपनी दोनों बेटियों इतना ज्यादा प्यार करते हैं ना भाई, मतलब इंस्पायरिंग है बहुत, मतलब ही इज द आइडियल पर्सन। मतलब आप इनको देख ना आप उनको आइडलाइज कर सकते हो कि भाई मुझे बड़े होके मतलब मेरे को अपनी लाइफ में आगे जाए कुछ ऐसा करना है, तो ये लिटरली वही बनने हैं। और इनके लिए मैं ज्यादा रिव्यू नहीं कर सकता क्योंकि भाई मतलब मेरे पास वर्ड ही नहीं इतने, वैसे मतलब मैं आपको क्या बोलूंगा, बोलने में इतना अच्छा वर्ड इनके लिए तो मेरे पास वर्ड नहीं, मैं बहुत आइडलाइज करता हूं। और ये बात इनको पता नहीं है बट हम लोग नेबर्स हैं, क्योंकि हम लोग एक एरिया में रहते हैं, रोड क्रॉस करने के बाद जो जनकपुरी एरिया आता है उसमें ये लोग पहले रहते थे, अभी तो शायद से नहीं रह रहे वहां पे, अभी तो शायद से मुंबई या फिर लखनऊ ट्रैवल करते रहते हैं, बट अभी वहां नहीं रहे। बट कभी इनसे मिलूंगा लाइफ में तो इनको पक्का बताऊंगा, सर वी आर नेबर्स, आप हमारे घर से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूरी रहते हो। तो क्या पता नहीं, मुझे पता नहीं इनका रिएक्शन कैसा होगा, बट मेरे मन में बहुत ज्यादा कि मैं इनको बता दूं, तो मैं जरूर एक बार तो जरूर बताने जाऊंगा इनको, पक्की बात। सो गाइस फाइनली ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हो गए और ये सारे यूट्यूबर्स मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट हैं, आई नो आपको ये यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा पसंद होंगे। तो कमेंट बॉक्स में अपने फेवरेट यूट्यूबर का नाम बता देना, इनमें से कोई हो तो इनमें से लिख देना, अगर आपको कोई और यूट्यूबर पसंद है तो प्लीज उसके बारे में लिख देना। बट उसी के साथ साथ एक यूट्यूबर और है जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है,
तो वो है और कोई नहीं आपका अपना भाई। तो प्लीज भाई पूरा सपोर्ट करना, क्योंकि बाकी सारे यूट्यूबर्स के पास बहुत सारे फैमिली बन चुके हैं, उनके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर हो गए, बहुत ज्यादा व्यूज हो गए, बहुत ज्यादा पैसे हो गए, बट अभी आपके भाई के पास कुछ नहीं है। हमारी फैमिली बहुत छोटी है, तो हमें इसको और मिलकर बड़ा करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब दबा दो बेल आइकन, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए रोज सुबह 10 बजे भाई का ब्लॉग आ जाए। तो देखना मत भूलना, अभी का अभी सब्सक्राइब बटन दबा लो और बहुत सारे लोगों को शेयर कर दो। हमारी फैमिली बड़ी से बड़ी से बड़ी से बड़ी बड़ी होती जानी चाहिए, कि आपके भाई के नाम के ऊपर भी कोई बंदा वीडियो बनाए तो अच्छा लगेगा, मेरे को भी आपको भी लगेगा। आई नो, बाय।